खरगोन जिले में कोरोना महामारी के रौद्र रूप को देखते हुए 2 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया, बावजूद उसके लोग घरों से बाहर घूम रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन लगातार चालानी कार्यवाही कर रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने यमराज की वेशभूषा का सहारा लेकर लोगों को जागरूक करने की कवायद शुरू की है। हम आपको बता दें कि खरगोन यातायात थाने पर तैनात प्रधान आरक्षक राकेश जमरे ने यमराज के रूप में जागरूक करके महामारी के रौद्र रूप को दर्शन कराए। इस दौरान यमराज अस्थायी जेल पहुंचे और बंदियों को लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत देकर मास्क लगाने की प्रेरणा भी दी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अरे वो लगा हुआ है। कोरोना वायरस बीमारी चल रही है, जिससे कि कई लोग मेरे चरणों में आ चुके हैं। आप लोग लॉकडाउन का पालन क्यों नहीं करते हो? क्या लॉकडाउन का पालन नहीं करके मेरे पास आने की जल्दी है? कुछ लोग बिना मास्क और अनावश्यक रूप से घूमते मिल रहे हैं, उनको पुलिस भी समझाइश दे रही है, सख्ती से पालन करवा रही है पुलिस। पर यमराज बनकर मैं भी लोगों को समझाना चाहता हूं कि अभी अनायास ही मेरे पास आने का प्रयास ना करें। प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश जारी करे जा रहे हैं उनका पालन करें और अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने राष्ट्र के जीवन को सुरक्षित रखें। इसी कारण से मैं आज यमराज बनकर घूम रहा हूं कि जो पुलिस का कहना नहीं मान रहे उनको मैं अपने स्तर से समझा सकूं। क्या नाम है? मेरा नाम, मैं ट्रैफिक थाने पर हेड साहब हूँ, प्रधान आरक्षक राकेश जमरे। मैं एक यमराज जी साथ में लेके चल रहे हैं और ये अपना संदेश दे रहे हैं लोगों को कि आप जो है मास्क नहीं लगा के घूम कर यमराज को आमंत्रित करने का काम कर रहे हैं, उनके पास जाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग लोगों को समझाइश दे करके और उनको जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं और कहीं कहीं पर जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ़ चालानी कार्रवाई और साथ ही अस्थाई जेल में भी कुछ समय के लिए लोगों को भेज रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।